नमस्कार दोस्तों, पिछली हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जीवन सेकंड के बारे में, जो आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 बुक है ना, उसी के हम लोग अभी तक 5 चैप्टर खत्म कर चुके थे। छठवां चैप्टर में देखना है, क्या देखना है? छठवां चैप्टर देखना है, इसमें संचार माध्यमों को समझना। तो याद रखिए, कक्षा 6वीं की आपकी एनसीईआरटी की जो भी किताबें महत्वपूर्ण थी वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। कक्षा 7वीं की हमें जो देखनी है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, उनमें पहली बुक देख रहे हैं हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड द्वितीय। तो याद रखना है आपको, इसे एक कहानी की तरह सुनते जाइए और लास्ट में इसका जो भी निष्कर्ष होता है वो समझ में आ जाता है और बता भी दिया जाता है, ठीक है? और मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा समझाने की इसमें जरूरत है, बस एक दो बार आप सुनेंगे आराम से क्लियर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट, ठीक है? टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रिया, आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रयाग सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है आपका मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह काम कैसे करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सब को सब संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से, इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या फिर मास मीडिया कहा जाता है। बात करते हैं संचार माध्यम और तकनीकी। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए। जनसंचार जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीकी से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए, आज हमारे लिए टेलीविजन बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझे,
लगे हैं। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में बड़ा बदलाव आया। संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकी अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्डर करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि है। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक होता है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व विकास की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा है कि जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनलों और समाचार पत्रों किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। यह यंत्र आपको दिख रहा है, यह टेलीवाइजर है। टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बेड। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। ठीक है, जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के माध्यम से मैं सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रयास बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं जैसा आप आगे देख रहे होंगे इस तरह। ठीक है, कि अध्याय में पढ़ेंगे विज्ञापन के की बार बार इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तुएं खरीदें। जैसे एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1,000 रुपये से 1,00,000 रुपये के बीच पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र। संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा भी संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझने की संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य। न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, ये आप है न्यूज इंडिया डेली की रिपोर्ट। तो चलिए न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखते हैं। पहले प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध में आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने घर पर नहीं पहुंच सके।
कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के लिए निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैरकानूनी हैं। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा है कि हमारा शहर भारत के नए व्यवसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनः स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। शहर के आवासीय क्षेत्र में 1,00,000 कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या के रूप में ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने की लाइसेंस देता रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखाना के मालिकों व मजदूरों ने कहा, कारखाना बंद करवाने के विरोध में शहर में एक दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा है कि सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किए, लेकिन जिस प्रकार के विच्छेद वह हमें दे रही है वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। पिछले 5 वर्षों में वहां कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। वास्तविकता तो यह है, यदि आपने इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे आप। अगर आप इनमें से अगर एक कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तो इसमें आप एक ही पक्ष को जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। समझ में आया आपको कि आपको NCERT किताबें पढ़ने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि आपको वहां रटना नहीं है कुछ, आपको बैलेंस बना के दोनों पक्षों में लिखना है, सही भी लिखना है। अगर किसी के बारे में लिखने के लिए आ रहा है तो आपको उसके नकारात्मक जो उसके विचार हैं उन्हें भी लिखना है, और सकारात्मक भी उसके बारे में लिखना है, और अपनी तरफ से जो निष्कर्ष निकलता है उसका वो लिख देना है। बस यही तो आंसर राइटिंग की कला है। समझ में आए कि मतलब आप बैलेंस बनाते हुए चलें कि किसी के बारे में ना तो आपके अंदर नकारात्मक भर जाए कि उसके बारे में गलत ही गलत लिखते जा रहे हैं, या फिर उसके बारे में सही सही लिखते जा रहे हैं, उसकी बुराइयों पूरी तरह से भूल गए। तो आपको बैलेंस बना के लिखना है, सही भी देखना है और गलत भी देखना है। कोई भी काम हो उसके दो ही परिणाम होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी, तो आपको दोनों में बैलेंस बनाना है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे, समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे, उसमें क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा जैसा आपने ऊपर पढ़ा है कि संचार माध्यम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है,
इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति की जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा आपका 1975 से 77 का आपातकाल था, जो इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था। इसे काला दिन भी, काला समय भी कहते हैं। ठीक, सरकार यद्यपि फिल्मों का तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है, ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा नियंत्रित धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता है। इस कहानी को देख लेते हैं। टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं, देखिए। बहुत से घरों के में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है? टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम, सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सकते हैं। आपके विचार में से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? उन चीजों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के? हमें यह सोचने की जरूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वास, हमारे रूप और मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रम का आनंद लेते हुए भी हम यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी ये उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देती है। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनन जीवन शैलियों से भी परे भी ऐसा संसार है जहाँ हमको सबको पहुँचना चाहिए, विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखकर और सुने गए प्रसंगों पर प्रसन्न भी उठाए। आपको पता है, आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपने देखा होगा कि आज से 10-15 साल पहले, वर्ष पहले, गांव में अगर किसी के यहाँ टीवी होती थी तो वहाँ भीड़ लग जाती थी, पूरा गाँव इकट्ठा होकर देखता था। देखा होगा आपने, ठीक। तो इतना महत्व था उस समय टीवी का और हकीकत समझते थे। जो भी अगर आपकी कोई मूवी या मूवी आ रही है तो उसे हकीकत समझते थे लोग कि ये हकीकत है, बिल्कुल रियलिटी घटना है। मैंने एक बार अभी न्यूज पेपर पढ़ा था 4-5 वर्ष पहले, मुरैना तरफ का था, MP मुरैना मध्य प्रदेश में। वहाँ किसी लड़के ने, 25 साल का था शायद, 24-25 साल का, तो उसने मतलब वो एक गैंगस्टर टाइप का हो गया था, मतलब कि किसी को चेतावनी दे दी कि तुमसे इतना पैसा चाहिए और अगर वो नहीं देता था जिससे वो पैसा मांगता था तो उसका मर्डर कर देता था या गोली मार देता था। बाद में वो पकड़ा गया तो उसने बोला कि वो मैं फूलन देवी की राय पर चला। फिर ऐसे ही उसने 2-4 मूवियों के नाम बताए कि मैं वो बनना चाहता था कि मेरा राज रहे इस पूरे क्षेत्र पर। तो बोले, उससे पूछा गया कि कैसे विचार आया तुम्हारे मन में,
तो उसने बताया कि मैं मूवियों में देखा है मैंने, वही मेरे दिमाग में आ गया। तो लोग पहले सच मान लेते थे इसे कि रियलिटी घटना है, वो उसी कदम राह पे चलने लगते थे। अरे कुछ समय आपने देखा हो कि तेरे नाम मूवी आई हुई थी सलमान खान की, उसके बाद लोगों ने उस तरह के बाल ही तेरे नाम वो कौन सी कटिंग थी वही ना कटवाना शुरू कर दिए, जहां देखो तेरे नाम। तो मुझे लगता है कि समाज हमारा समाज चलता नहीं है अपने आप। मुझे लगता है कि लोग वहां मार्केटिंग कर रहे हैं, वो चला रहे हैं। अब उन्हें कैसे पता है कि हमें कपड़े कैसे पसंद हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से आता है कि जनता, सच यही है, जनता एक भीड़ की तरह है कि इन्हें किसी भी तरफ मोड़ सकती है। वहाँ बैठा हुआ बहुत इंटेलिजेंट होता है कि वो समाज को पढ़ता रहता है, समाज के दिमाग को, कि ये किस दिशा में जा रहा है। अब उन्हें कैसे पता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि उन्हें कैसे पता है कि लोगों को कटे कपड़े पहनना पसंद है। आजकल जो जीन्स आ रहे हैं फटे कटे फटे, ये पहनना कैसे पसंद है? उनने पहले सोचा तो होगा, तभी तो मार्केट में उतारा होगा। तो मुझे लगता है समाज नहीं चल रहा है, समाज को चलाने वाले बैठे हुए हैं और हम एक भेड़ की तरह हैं कि किसी भी दिशा में हमें ले जाया जा सकता है। हमारे पास कुछ भी सोचने का नजरिया नहीं है, हकीकत यही है। चलिए छोड़िए, आगे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचि कर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। अब बात करते हैं मसौदा तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इससे भी समाचार संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचार को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रयास यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा एजेंडा तय करते हैं। समझ में आए? इस आर्टिकल में देखा आपने कि हमारे जो भी मसौदा या एजेंडा है, जो हमारे कार्य होते हैं आगे करने के, वो सभी संचार माध्यम ही करता है, हमें नियंत्रित कर लिया है उसने समाचार माध्यम। अभी कुछ दिन पहले आपने कई जगह देखा होगा कि लोग भूखों से मर रहे हैं, इलाज नहीं है, गरीबी से घुट घुट कर मर रहे हैं कुछ लोग, उन्हें नहीं दिखाया गया है। और अभी कल कुछ ही दिनों पहले की न्यूज है कि बताया जा रहा है कि प्रियंका, कौन सी प्रियंका थी, प्रियंका चोपड़ा आंटी बनने वाली है। अरे भाई ये न्यूज दिखाने वाले हैं एबीपी जो आपका न्यूज चैनल है उस पर दिखाया जा रहा है हेडिंग कि प्रियंका चोपड़ा अब आंटी बनने वाली। अरे भाई वो तो दिखाओ कि गरीबी क्या है, कोई कहाँ मर रहा है, भूख से कैसे मर रहा है, उसे दिखाने के लिए, क्योंकि टीआरपी नहीं मिलेगी ना इन्हें, तो उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। जहां इन्हें टीआरपी मिलती है वहीं ये दिखाते हैं, हकीकत यही है। अभी हाल ही में संचार माध्यमों से ने कोला पेयों में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर पर बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेय अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई गई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके समाचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषयों पर
केंद्रित करने की कोशिश की, जिन पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी ना होता। वो पता नहीं मुझे समाज को भी बड़ा समझ में नहीं आता है, कैसी जनता है, कैसी समाज है, इन्हें बेवकूफ बनाना बहुत सरल काम है, क्योंकि बहुत भोली भाली होती है, कुछ भी इनसे बोलो वो तुरंत भरोसा कर लेते हैं। चलिए भगवान करेगा निपटारा, क्या कर सकते हैं, कोई नीचे करने वाला तो है नहीं, ऊपर ही वाला करेगा जिसके साथ जो करना है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। इस एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्तुओं को नया रूप आकर देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में ध्यानवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़ियों को गिरा कर दिया गया और किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। समझ में आया, यही समाज की हकीकत है। स्थानीय संचार माध्यम, यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे से छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों उनके जीवन से है, इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं, उन्होंने बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं। कभी कभी तो इन गरीब लोगों को भी फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। दूसरा उदाहरण है आपका खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्रिका है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस पेस्ट 8 पेस्ट के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषय, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं हैं जिन्हें अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा। आगे बात करते हैं, प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी समाचार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रयास संतुलित रिपोर्ट का प्रकाशन में आना कठिन हो गया है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी पर्यापूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। हमें समाचार के विश्लेषणों के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाने चाहिए, इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, इसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। सामाजिक विज्ञापन, सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके, ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। यह असुरक्षित सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत किया गया। रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर सतर्कता ही संरक्षा का आधार है। तो चलिए, ये था आपका छठवां अध्याय, ये आपके अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें सॉल्व कर लेना, देख लेना। और वैसे भी आपकी टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लेना।
बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, कुछ रेडियो टीवी समाचार पत्र के मालिक, फिर अपने उत्पादों का विज्ञापन देते हैं संचार माध्यम से। विज्ञापनों से उत्पादों को बढ़ावा देता है पाठक, ये आपका दर्शक श्रोता है, ये वही भीड़ है, ठीक है, जो बड़ी मासूम होती है। लोग संचार के माध्यम से देखकर उत्पाद खरीदते हैं तो पैसा वापस उन्हीं व्यापारी प्रतिष्ठानों को जाता है। विकासित, इससे तात्पर्य समाचार रिपोर्टों, लेखों, साक्षात्कार विवरण आदि से, जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पुस्तकों में छापा जाता है, जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सके। सेंसरशिप, इसका तात्पर्य सरकार की शक्ति या अधिकार से, जिससे के अंतर्गत सरकार द्वारा कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। प्रसारण, इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों के संबंध में हुआ है, जिनको बहुत बड़े क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। सार्वजनिक विरोध, इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूम में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यहाँ प्रया रैली आयोजन, हस्ताक्षर अभियान, सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए, तो जैसे बोला जाता है ना कि मीडिया को फोर्थ स्तंभ कहते हैं देश का, न्यायपालिका का। तो ये था आपका संचार से संबंधित, पूरा संचार पर केंद्रित था आपका ये चैप्टर। क्या हकीकत है आखिर संचार माध्यमों की, न्यूज पेपरों की, टीवी चैनलों की, वही बयां की गई है इसमें, ठीक है। चलिए तो अब आगे हम लोग बात करेंगे, हमारे आसपास के बाजार देखेंगे। आपका जो सातवां चैप्टर होगा हमारे आसपास के बाजारों से संबंधित, ठीक है। एक बार आप पढ़िए, मुझे तो लगता है कि एक बार में आपका कॉन्सेप्ट जो भी है क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो एक बार और पढ़ लीजिए, तब तो क्लियर ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ शब्द दिए भी नहीं है सिर्फ कि जो समझाने लायक हो, क्योंकि अगर आराम से आप पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है।